13 फरवरी 2023 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुर्सी की पेटी बांध के हमने उड़ान भरी। मेरी विंडो सीट थी, सो खिड़की से नीचे देखते देखते हम सिलचर एयरपोर्ट पे सुबह के लगभग 12 बजे लैंड हुए। सिलचर एयरपोर्ट से डोजडोवा की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जो कि बाय रोड आप 4 घंटे में काट सकते हैं। डोजडोवा पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है। जो गांव है वो थोड़ा सा ऊपर है, मतलब छोटे हिलॉक पे है, सो गाड़ियाँ सब नीचे रहेगी और अभी सामान लेके हमें ऊपर जाना है। शाम के 7 बज चुके हैं और ये डोजडोवा विलेज में हम लोग आए हैं यहाँ का फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली होम स्टे में पहुंच गए एंड रिजॉइस। ये तो चंबल से खतरनाक है। एकदम बढ़िया एडवेंचरस चल लो है, आपला चल लो है चाय। रात्री 11 वाजता घरातून बाहेर पडलो मी, आणि अजून मी सेट होत नाहीये। आणि हा गब्बर पण ना माणूस खायला डोक्याला ताप झालाय आपल्या, पण तुम्हाला सोडवत पण नाही त्याला, असं झालंय ना, सोडवत पण नाही ना। तुझ्या ब्लॉगची मजा जाईल ना, सगळे सबस्क्रायबर परत हे करतील माहितीये का। गब्बर पाहिजे आम्हाला का, गब्बर रहेगा तो ही हम सबस्क्राइब करता है। रात के 8 बज चुके हैं अभी, ये देखिए यहाँ का नजारा। संदीप सावंत याला सांगतोय म्हटलं खास तुझ्या फरमाइश साठी मी मराठीत व्लॉग करतोय आता। अच्छा हो का। आणि शैलजाताई आमच्या जोडीला आहेत। यस अभी मैं आपको हमारा रूम दिखाता हूँ, ये देखिए आते ही पूरा सामान फैला दिया सबने। गब्बर के लिए खास बड़ा डबल बेड, यहाँ पे संदीप सावंत और यहाँ पे मैं, और ये है जिमी, और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ से बैक साइड जाएंगे तो यहाँ पे मैं अभी आपको किचन दिखाता हूँ। और यहाँ हमारा खाना बन रहा है अभी। खाना बन रहा है, खाना भी खाता है ना। हाँ। ये देखिए गर्मा गर्म खाना चल रहा है इधर। आलू भाजी कर रहे हैं। रोटी बना के, रोटी रोटी सेक रहे हैं मस्त चूल्हे पे एकदम। वाह 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 बढ़िया। सो देखिए कितना बढ़िया, एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही बढ़िया सा ये किचन। और ये देखिए यहाँ पे सब लोगों ने ये जो खाने का पान रहता है इसके क्लाइंबर्स पेड़ पे चढ़ाए हैं। और यहाँ पे ये लोकल जो है एक तरह का बिजनेस है, इसको क्या लेके जाके बेचते हैं? त्रिपुरा में लेके जाके बेचेंगे इसको। बॉर्डर में, त्रिपुरा में। यहाँ से बॉर्डर कितना लंबा है? नहीं नहीं 15 किलोमीटर बस। तो वो आदमी लिखा है ना, वो ये ले जाएगा बाजार में। अच्छा, वो खरीद कर लिया मेरे पास को। हाँ। तो ले गया बाजार में, वो बिक्री करेगा। अच्छा चलो अभी फटाफट खाना खा के सोते हैं क्योंकि कल जल्दी उठना है। चला गब्बर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सगळे रेडी झालेत? यस राजश्री ताई रेडी आहेत, शैलजा ताई रेडी आहेत, आणि आमचे संदीप सावंत बिस्किट खात आहेत। त्यांचं काढून घ्या बरोबर, शूटिंग करून घ्या, चहा पिणताना ते सापडत नाहीत। हा क्वचित चहा पितात, क्वचित चहा पिणारा हा असा वेगळा प्राणी आहे। कॅमेरा टेस्टिंग स्टार्टेड। वो ऊपर नारियल पे देखिए लिटिल स्पाइडर हंटर है लेकिन पीछे है। अब नीचे वाले दूसरे पेड़ पे आए। फॉरेस्ट में जाने के पहले आपको थोड़ा सा बाहर का सीनरी दिखा देता हूँ।
और अब शुरू हो जाएगा बांबू का जंगल। स्कारलेट बैक्ड फ्लावर पेकर। वो सही, क्या टटी किया, एक नंबर। डॉलर बर्ड, वहां देखिए ऊपर पेड़ पे टॉप पे कौन बैठा है। कॉमन हिल मैना, मस्त प्रीनिंग कर रही है। डार्क नेक टेलर बर्ड। ब्लैक ब्रेस्टेड थ्रश की मादा। ड्रोंगो कक्कू। ब्लैक ब्रेस्टेड बुलबुल। और ये रहा डोसडोवा फॉरेस्ट का एक इम्पोर्टेंट टारगेटेड बर्ड, ब्लैक हेडेड बुलबुल। फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, इनमें आपको ग्रे मॉर्फ भी दिखने को मिल सकता है। पला स्क्विरल, इसे रेड बेलीड स्क्विरल के नाम से भी जाना जाता है। क्रेस्टेड गोशॉक, मस्त बैठे बैठे पूछ हिला रहा है। इस टाइप का इसका पूछ हिलाना मैं पहली बार देख रहा हूं। क्रिम्सन सनबर्ड नर, रूबी चिक सनबर्ड मादा। दिखने में ये आम के फल जैसी सुंदर है, बट हम किसी और स्पेशल सनबर्ड को ढूंढ रहे हैं। क्रेस्टेड सरपंट ईगल, लेकिन काफी ऊपर सर्कलिंग कर रहे हैं। इस ट्रेल में आपको काफी खूबसूरत तितलियां भी दिख सकती है। तीन स्ट्रिप टीट बैबलर, वाह इसके पूछ के सफेद पर देखिए कितने गजब दिख रहे हैं यार। ये फेंटेल पाम देखिए, मस्त लग रहा है। रिजॉयस ने बुलाया और ये चलाया, रेड हेडेड ट्रॉगन नर। ये देखिए ये जनाब तो बड़ा लंबा बंबू काट के लेके आए। और फिर एक यहाँ का द इम्पोर्टेंट टारगेट बर्ड दिख चुका है, जिसका नाम है कचार बुलबुल। एंड फाइनली गाइस, जिसकी हमें तलाश थी वो डोसडोवा का स्टार बर्ड वैन हेसेल सनबर्ड नर दिख चुका है। इसके कलर्स देखिए, क्या गजब की खूबसूरती है, एक नंबर। वगो बाय द वे, ब्लैक का बैक बटन ना, कुणाचं फोकस नव्हतं करत।
आणि अचानक करायला लागलं ना. हा जबरदस्त काम काय भेटलंय बघा. म्हणतो काय येस येस पर्पल का कलर है, पर्पल रम का है, ग्रीन है, ग्रीन का है, लाइट ग्रीन है, सबका कलर है इसमें. ऑल सनबर्ड टुगेदर. एक काम करना पाण्याची बॉटल. थैंक यू. हा फोटो मध्ये फर बघत होतो. ओ बेक ही इज गेटिंग दिस कलर यू सी द टेस्ट डिफरेंट कलर एंड दिस एंड जब त्याने मान अशी केली तो गळा उसका जो पीछे है आता टेल बग. टेल बग ये वाला कलर ये अलग है. हां देखो इट्स लाइक यस नाइन दिस फोर आले फोर आले टिटल असले काय बॅक बटन फोकसिंग चाललंय माझा. ये गन आउट होतं. गन आउट क्लास क्लास. अब एक ग्रुप फोटो तो बनता ही है. फॉरेस्ट ट्रेल खत्म करके अब हम जा रहे हैं डोसडोवा गांव में. सो भाई लोग अभी मैं आपको ये डोसडोवा जो गांव है इसका टूर कराता हूँ. एकदम बढ़िया देखिए विलेज है. ये देखिए मेरे आसपास मेरे पीछे मेरा जो है ये होम स्टे जहाँ पे हम लोग रुके हैं. और ये पूरा विलेज ये देखिए बाम्बू के कंपाउंड्स मस्त छोटे छोटे यहाँ के इनोसेंट बच्चे. यहाँ पे लगभग 60 फैमिली रहती है ये छोटे से गांव में. और यहाँ एक जयती करके यहाँ की ट्राइब है कम्युनिटी है वो यहाँ पे रहती है. ये देखिए किस तरह के छोटे छोटे घर बसे हुए. एक छोटा सा हिलॉक पे ये विलेज है और पूरा एक साथ एक बॉन्डिंग की तरह ये लोग रहते हैं यहाँ पे. बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फियर, नेचुरल ब्यूटी. गब्बर का कुछ बैक बटन का इश्यू हुआ है. बैठे बेचारे फोन लगा के अपने दोस्त से सजेशन ले रहे क्या करने. क्लिक वरती गेलो म्हणजे आपण जे शटर्स क्लिक करतो तेज बटन जर आता यूज करायचं झालं तर थोडक्यात एफ ऑन आपल्याला काढून टाकायचं. आता बॅक बटन सब सिलेक्टर सेंटर आहे. थांबा 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 मिळालं मला. हा कस्टम कंट्रोल सेटिंग मध्ये तुम्ही ना सर्वात खाली या. थाम थाम थामा जरा दोन मिनिट. मस्त अभी नहा के हो गया गरम गरम पानी से. सुबह का मॉर्निंग वॉक के बाद नहाना जरूरी था और मस्त अभी नहा के हो गया है. अभी कपड़े सुखाने का कार्यक्रम है. ये देखिए यहाँ पे मस्त कपड़े सुखाते हैं हम लोग. ये कल के कपड़े सूखे हुए. टमाटो चटनी है खास. ऑर्गेनाइजर बघा स्वतः अरेंजमेंट सॉरी बटाट्याची भाजी सो गाइज अभी खाना खा के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद चालू होगा हमारा हाइड का सेशन जो कि आफ्टरनून सेशन है. और वो आप देखिए अगले व्लॉग में. तब तक के लिए गुड बाय. ₹35 And thanks for watching this vlog. मिलते हैं अगले vlog में.